नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला। पौड़े जिले के यमकेश्वर में गंगा भोगपुर स्थित वंतारा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की मौत हो चुकी है। रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर ऋषिकेश की चिला नहर में फेंक कर अंकिता की हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस मामले में रिजॉर्ट के पूर्व कर्मचारी ने एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि भाजपा से निष्कासित नेता के बेटे के उत्तराखंड रिजॉर्ट में नशीली दवाओं का इस्तेमाल और प्रोस्टिट्यूशन बड़े पैमाने पर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए न्यायालय से फास्ट ट्रैक अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में भी धामी के हवाले से कहा गया कि हमारी सरकार ने माननीय न्यायालय से अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को भी कहा है। एक रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की हत्या से प्रदेश भर में उपजे गम और गुस्से के बीच मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी सरकार की है और इसीलिए पिछले दिनों गठित दुखद घटना में सरकार द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी कर उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण का कार्य भी सरकार ने किया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बेटी अंकिता को न्याय दिलाने हेतु हमने डीआईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी यानी कि विशेष जांच दल का गठन भी किया है। एसआईटी हर पहलू की जांच करके सभी अपराधियों को कठोरतम सजा दिलवाने का कार्य भी करे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषय पर वीडियोस हैं और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newstationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।